हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने बात करा था कनकेव मिरर के और उसकी यूजेज के बारे में। इंट्रोडक्शन भी हुआ था साथ में, ठीक है, कि कौन सा कन्वर्जिंग मिरर है, कौन सा डाइवर्जिंग मिरर है। रियल इमेज के बारे में हमने पढ़ा था, रियल मिरर के बारे में, नॉर्मल जो मिरर हमारा होता है घर में देखने वाला, उसके बारे में बात करा था। तो ये हमारे आज मैं बात करने जा रहा हूँ कन्वेक्स मिरर की, उसकी यूजेज की, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर में क्या है कि दो ही पॉइंट है, दो पोजीशन पे हम रखेंगे। एक हमारा इंफिनिटी पोजीशन होगा और दूसरा हमारा होगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो जरा एक कन्वेक्स मिरर मैं ड्रॉ कर लूं जरा, तो ताकि अच्छे से समझ में आ पाए हमें, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन करना है तो यहां पर ये देखिए, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां मेरा फोकस है, यहां मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा पोल है, ठीक है। ये कहीं इन्फिनिटी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इन्फिनिटी को डिनोट कैसे करते हैं, इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं हम पैरेलल लाइन से। कैसे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइन से। तो इसको पैरेलल मैं करूंगा ऐसे, पैरेलल लाइंस जाएंगे, पैरेलल लाइंस जाएंगे तो कैसा, किधर से वापिस आते हैं, फोकस के थ्रू वापिस आते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं डॉटेड लाइन ऐसे मिलाऊंगा, क्योंकि ये तो जाता नहीं है रियल में, बट ये अजम्पशन है हमारा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक होता हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये कहां पे मिला, फोकस पे मिला, पैरेलल लाइन गया और फोकस के थ्रू मिला, रूल नंबर वन हमने लगाया, ठीक है। तो ये ऐसे गया, ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा हुआ, इमेज फॉर्मेशन किस साइड हुआ पहले, तो वर्चुअल साइड पे हुआ। ये मेरा रियल साइड था, रियल, और ये मेरा वर्चुअल साइड है, ठीक है। ये वर्चुअल है, ये रियल है, ठीक है। अब कैसा हुआ, इमेज बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, साइज कैसा है, साइज है हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा ही छोटा फॉर्म हुआ है। किस साइड हुआ है, तो वर्चुअल साइड, वर्चुअल साइड हुआ है। और कैसा हुआ है, इरेक्ट, इरेक्ट मींस व्हाट, इरेक्ट मींस ऐसा सीधा, ठीक है, जैसा डायरेक्शन था। अगर पेन को मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, तो ये इसी तरीके से यहां इमेज फॉर्मेशन होगा, ये नहीं कि ये उल्टा हो जाएगा, जैसे हमारा 6-5 केसेज में कनकेव मिरर में हुआ था, सिर्फ एक केसेज में इरेक्ट फॉर्म हुआ था लास्ट केस में, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखे थे, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है, और क्या होगा, और वर्चुअल हो गया, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, इरेक्ट हो गया, ठीक है। और पोजिशन क्या है, पोजिशन है ऑन दी फोकस, ऑन दी फोकस, ऑन फोकस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था एट इन्फिनिटी के लिए, एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि आप कहां रखेंगे, हम यहां इन्फिनिटी और ये पोल के बीच में कहीं भी रख दूं, मैं इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दूं, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दूंगा तो क्या हाल होगा, देखिए जरा चेक करते हैं इसको। चलिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ये पोल है, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, जरा देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, पैरेलल लाइन गया, पहला रूल, पैरेलल लाइन में ले जाऊं, पैरेलल लाइन ले जाऊंगा तो कैसे वापस आता हुआ दिखेगा, फोकस के थ्रू वापस आता हुआ दिखेगा। तो ये रहा फोकस के थ्रू वापस आता हुआ मैंने दिखा दिया, ठीक है, ये जा रहा है। दूसरा, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले जाता हूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा हल्के पास स्केल होगा, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, इतना बड़ा है अभी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच पाऊं, ठीक है, देखिए,
तो ये ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ, जहां पे ये कट किया ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस फॉर्मेशन हो गया। तो कैसा हुआ, छोटा हुआ, डिमिनिश्ड हुआ, ठीक है, वर्चुअल साइड पे हुआ, इरेक्ट हुआ, ठीक है। तो पोजिशन क्या लिखू मैं, पोजिशन में लिख रहा हूं बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। कैसा हुआ भाई, छोटा हुआ, डिमिनिश्ड। उसके बाद देखिए इरेक्ट, जैसा था वैसा आया, ठीक है, तो इरेक्ट। और किस साइड पे, वर्चुअल साइड पे, ये मेरा रियल साइड है, ये मेरा वर्चुअल साइड है, तो रियल, सॉरी वर्चुअल, सॉरी 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 वर्चुअल, ठीक है। तो ये हमारा दो पोजीशन था कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का बस दो ही पोजीशन होता है, ये दो आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी कनकेव मिरर के 6 पोजीशन थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। तो इसके यूजेज की बात कर लू मैं जरा, तो यूजेज में है कन्वेक्स मिरर कमनली यूज है रियर व्यू मिरर, जो हमारा रियर व्यू मिरर गाड़ियों में होता है, जो हमारे पीछे या साइड व्यू मिरर भी कहते हैं हम कॉमन वर्ड्स में, ठीक है। तो साइड व्यू मिरर होता है जो जो कि हमें पीछे की गाड़ियों को देखने में हेल्प करता है, साइड में मेरी कौन गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। और दिस मिरर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है, ये इस पर बात कर ली मैंने। कन्वेक्स मिरर प्रेफर बिकॉज दे आर ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। और इसको क्यों यूज करते हैं, तो क्योंकि ये देखिए मैंने दोनों कंडीशन में ड्रॉ करा था, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इन्होंने इरेक्ट इमेज दिया था। तो जैसे अगर व्हीकल अगर ऐसा चल रहा है पैरेलली में आपके कोई व्हीकल सीधा चल रहा है तो वो सीधा ही चलता दिखेगा, ये नहीं कि गाड़ी ऐसा उल्टा चलता हुआ दिखे, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा, ठीक है। एंड दे ऑल्सो गिव अ वाइडर व्यू, हमारी छोटे से मिरर में, साइड व्यू मिरर इतना बड़ा होता है, ठीक है, हमारी गाड़ियों में नॉर्मल अगर बाइक चलाऊं मैं तो छोटा सा साइड व्यू मिरर पूरा वाइड व्यू देता है पूरे एक चौड़े से 20 फीट 40 फीट चौड़े रोड का, ठीक है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को देख पाते हैं, ठीक है। दस कन्वेक्स मिरर मच लार्जर एरिया दैट इज पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर, ठीक है, तो ये लार्जर एरिया को देखने में हेल्प करता है, जबकि प्लेन मिरर अगर मैं लगाऊं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। कन्वेंशन बाय स्फेरिकल्स मिरर्स, चलिए साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की मैं बात करूं तो जरा देखते हैं साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो साइन कन्वेंशन मीन्स जो हमारे प्रॉब्लम्स बनाने होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है, उसका इमेज कितना दूर मिरर फॉर्म हो रहा है, जैसे रियल मिरर में जो हमारा घर में होता था रियल मिरर, जो उसमें हमारा क्या इमेज होता था, फॉर्म होता था, जितना मैं दूर यहां खड़ा हूं उतना दूर इमेज फॉर्म होता हुआ दिखता था। बट स्फेरिकल मिरर्स में अलग अलग कंडीशंस थे, अलग अलग तरीके से, कभी दूर रहते थे तो पास एकदम छोटा इमेज फॉर्म होता था, बड़ा इमेज फॉर्म होता था, एनलार्जमेंट डिमिनिश्ड होता था कभी बड़ा, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस को समझने के लिए हम साइन कन्वेंशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए चलिए मैं एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां मेरा एक स्फेरिकल मिरर है, ये मेरा कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन ये वैसे साइन कन्वेंशन ही होते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में पढ़े हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस होता है नेगेटिव, वाई एक्सिस होता है नीचे की तरफ, राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो मैं यहां पे वैसा ही ड्रॉ कर लू मैं, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमारा एक एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा, और ये जो अपर्चर है हमारा कनकेव मिरर का जो कि वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। अज्यूम करना, ये नहीं कि अभी इसको वाई एक्सिस बना दिया एक्स एक्सिस बना दिया, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो जब भी ये जो डिस्टेंस होगा इधर, यहां से यहां का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव डिस्टेंस, और इधर जो को भी कोई डिस्टेंस होगा पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट की हाइट है तो ऐसे दिया रखते हम, तो ये पॉजिटिव हाइट है। सपोज ऑब्जेक्ट
इमेज यहां फॉर्म हुआ तो ये नेगेटिव हाइट है, ठीक है। हो सकता है इमेज हमारा यहां फॉर्म हो तो ये पॉजिटिव हाइट हो जाएगा फिर से, ठीक है। हो सकता है मेरा और कुछ भी हो कंडीशन, अगर मैं अब देखिए, हो सकता है मैंने डिस्टेंस अगर ये रखा है तो अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रखने की, ठीक है। तो ये समझ में आए कब हम पॉजिटिव कहेंगे कब नेगेटिव कहेंगे, जरा देखिए रिलेट कर पाइएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम जब इधर इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां देखिए पॉजिटिव वाई की तरफ जाता है दिख रहा तो पॉजिटिव है, ये एक्स की तरफ जाता है वो दिख रहा पॉजिटिव है, बट मैं जब इधर आया था तो ये नेगेटिव इधर की तरफ आया था तो नेगेटिव आया था, नेगेटिव डिस्टेंस हुआ था, और इधर जब हाइट गया था तो पॉजिटिव हाइट हुआ था। इधर जब आए तो हाइट देखिए नेगेटिव ही था, ठीक है, लेकिन हाइट इधर गए तो नेगेटिव हो गया। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ये हमारा क्वाड्रेंट की तरह क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा उस तरह से चल रहा है, ठीक है। अब जरा बात कीजिए, थोड़ा और जरा बात करते हैं। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, ठीक है, ये हमारा है कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो यहां मैं फोकस ड्रॉ कर दिया, यहां मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिया। अब कहा किसी ने कि एक ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, फोकस पे रखा हुआ है। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू पोल पे ना, फोकस पे ना रखिए, यहां से यहां वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पोल से और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस फोकस पे रखा हुआ है तो ये इसके लिए ये यू होगा, यू, ठीक है। या यहां मैं रख दू तो भी ये यू ही होगा, ये ऑब्जेक्ट को यहां हटा के मैं यहां रख दू सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो ये यू मीन्स, जो यू क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है उसको यू बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो फोकस, सॉरी, हमारा जब इमेज फॉर्म होता है, सपोज दैट इमेज मेरा यहां फॉर्म हुआ, इमेज या इस केस में तो उल्टा फॉर्म होगा, ठीक है। तो इमेज मेरा यहां फॉर्म हुआ तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्रॉम पोल टू, यहां इमेज पोजिशन ऑफ इमेज, फ्रॉम पोल टू पोजिशन ऑफ इमेज, दिस इज पोल, ठीक है, पोल टू पोजिशन ऑफ इमेज इज वी, ओके। तो इसके लिए एक रिलेशन हमारे पास है, ठीक है, रिलेशन क्या है, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई एफ, ठीक है। तो ये हमारा वी इज द इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज बिटवीन पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज नोन एज वी, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन यू एंड पोल इज नोन एज यू, ओके, इमेज ऑब्जेक्ट एंड पोल इज यू, ठीक है। तो यू लिख देते हैं यहां पर, मैं लिख देता हूं एक बार, ओके, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट, पोल, पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट यहां रहे इंफिनिटी पे रहे डजंट मैटर, हमारा जो यू लेंगे वो लेंगे, ठीक है। वी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या है, एफ इज अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस एफ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए आपके लिए, आप क्वेश्चंस इसके बाद जो हमने मैग्नीफिकेशन करने के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो ये आपको मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला, वेर वी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड पोल, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, एंड एफ इज द फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये बातें हमने कर ली, आगे बात करता हूं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन आप रियल लाइफ में देखते होंगे कि कभी ऑब्जेक्ट छोटा कभी बड़ा, किसी की आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं वो बड़ा इमेज छोटा इमेज करने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफिकेशन, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट लिया हूं, ये मेरा डस्टर जो ऑब्जेक्ट है मेरा,
अगर इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है इतना बड़ा फॉर्म हो जाए, ठीक है। जरा इमेज को लेते, एक डायग्राम लेते मैं, ये एक लड़का मैं अगर बना दूं, पता नहीं जैसा भी लड़का ये, अब इसका इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कुछ थोड़ा बड़ा आ गया, ठीक है। तो ये इतना छोटा लड़का ये इतना बड़ा लड़का बन गया है, ठीक है। दिख पा रहा है, आई गेस नहीं दिख रहा है, मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। ये लड़का जो इतना बड़ा हो गया, ये एज के साथ बड़ा नहीं हुआ बट मैग्निफिकेशन इसका बड़ा हो गया, ठीक है। ये छोटा इमेज ये इतना बड़ा हो गया, तो ये कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन हुआ होगा। ये जो हमने ऐसे चश्मा किसी का हाईली मैग्निफाइंग पावर का होगा, तो ये मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये हाइट अगर ये पहला पांच सेंटीमीटर का था ये वाला लड़का, अब ये आई थिंक 15 का हो गया, तो देर इज सम मैग्निफिकेशन, कुछ तो मैग्निफाई हुआ होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कितने का आया भाई, 15 सेंटीमीटर का आया है, तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लड़का था कितने सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर का, तो ये आया इसका 3 times मैग्निफाइड हो गया, 3 times, 3 गुना ये बड़ा इमेज था, ठीक है। तो आप इसको एम को, हाइट ऑफ इमेज को एच डैश से डिनोट करते हैं हम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके एसोसिएटेड एक और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता है, रिलेशन विद वी एंड यू, वी आपको पता है, वी वॉज वॉट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, पोल एंड ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, पोल एंड इमेज, ओके, एंड यू वॉज वॉट, पोल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोल और ऑब्जेक्ट। तो वहां से आप एक रिलेशन हमें और भी पता होगा, इस इतना इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई यू, माइनस वी बाई यू ना, या माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आप मैग्निफिकेशन आपने देखा कि कोई सा ऑब्जेक्ट कैसे इनलार्ज हो जाता है, हो सकता है डिमिनिश्ड भी हो जाए, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन होगा, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात हम अलग से करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं ताकि चीजों को हम अच्छे से समझ पाए। साइन कन्वेंशन को एक प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10.1 है, पेज नंबर 170 एनसीईआरटी, ओके। द कन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू मिरर इन एन ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज एन रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 meters। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 meters एट द 5 meters अवे फ्रॉम द दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो कैसा मिरर है, सबसे पहले तो मिरर है भाई, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर मैंने ड्रॉ किया, तो ये कन्वेक्स मिरर ड्रॉ हो गया। तो कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इस साइड होता है, ये अगर देख लीजिए, ज्यादा समझ में आना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहां होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो इसको अभी मैं फिलहाल के लिए मिटा देता हूं, ये हमने काफी पढ़ लिया, इसको समझ लिया, ठीक है। तो फोकस इसका कहां रहा होगा, इसके बीचों बीच होता है, पोल और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है, और ये मेरा पोल हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस दिया इन्होंने 3 meters का, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसके हाफ, तो एफ क्या हो जाएगा, 1.5 meters का जो फोकल लेंथ हो गया। और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, प्लस लगा दीजिए, नहीं लगाइएगा तो भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो बस है वो 5 meters दूर है, कितना दूर है, 5 meters दूर है, तो 5 meters दूर ये ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने रखा, जो कि पोल से 5 meters दूर है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज यू। तो यू कितना दे दिया गया है, कैसा है, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड पे, देखिए नेगेटिव साइड पे ये डिस्टेंस है, तो -5 meters, ओके। तो फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, वी, जो वी है वो मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो मिरर फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो मिरर फॉर्मूला से क्या पता है, 1/v + 1/u
प्लस सॉरी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। आपको सब पता है, 1 बाई भी नहीं पता है, छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लस 1 बाई यू, यू इक्वल्स टू माइनस 5 था, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाई एफ, 1 बाई एफ इज 1.5 को इधर ऊपर लेगा, इसको कैंसिल आउट करा तो 2/3 हो गया। तो ये 1 बाई वी इक्वल्स टू, ये नेगेटिव में है, उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। इसको एलसीएम लें तो ये कितना हो जाएगा, 13/15 सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 15/13 हो जाएगा और v इक्वल्स टू 1.15 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा कहाँ आया, 1.15 मीटर, और ये कितना था, 1.5 मीटर, तो ये बिटवीन यहां पे कहीं आया होगा। तो पोजीशन हमें यहां पता चल गया, ठीक है, पोजीशन कहां है, बिटवीन पी एंड एफ, पोलर फोकस। तो हमें ये पता भी है, इन्फिनिटी छोड़ के हम कहीं भी ऑब्जेक्ट करो के कन्वेक्स मिरर में तो पोलर फोकस के बीच में ही आता है, जो कि हमारा सही है, पोलर फोकस के बीच में आ चुका है, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन की बात करूं तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमें पता है दो फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें पता होता तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देते, बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज पता है तो माइनस वी बाई यू करेंगे, तो माइनस वी बाई यू कर दू मैं, माइनस वी बाई यू, तो माइनस वी, माइनस वी, वी पॉजिटिव यहां पे है, तो माइनस माइनस 1.15 मीटर डिवाइडेड बाई यू, पहले से नेगेटिव में था, या याद कीजिए यहां नेगेटिव साइड पे था, तो माइनस यू हो जाएगा, तो माइनस यू इज माइनस 5 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 0.23 मीटर आया। तो देखिए ये 1 times अगर होता तो 1 गुना होता, ये 2 times होता तो 2 गुना हो जाता, मैग्निफाइड हो जाता, 3 times होता तो बड़ा हो जाता, बट ये 1 से कम आया है, 1 से नीचे आया है, तो मैग्निफिकेशन नहीं हुआ, ये छोटा हुआ, इमेज छोटा हो गया है, तो डिमिनिश्ड हुआ है इमेज, कैसा हुआ, डिमिनिश्ड, ठीक है। और ये इरेक्ट ही होगा, ठीक है, वर्चुअल साइड पे ही होगा क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम समझ में आया, साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका 2 problems और दिए हैं क्वेश्चंस में, तो उसको करें, आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया हो, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन आगे, उसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद है पॉइंट आपका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो उम्मीद करते हैं यहां तक तो समझ में आया हो, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।